कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान के तहत हमीरपुर जिला में फ्रंटलाइन वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और पैरामिलिट्री स्टाफ सहित 5,235 को वैक्सीन दिया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि वैक्सीन देने के लिए पूर्वाभ्यास पूरा किया जा चुका है और किस तरह वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए तैयारियां की जा चुकी है। हमीरपुर जिला में 37 प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में वैक्सीन दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। फ्रंटलाइन कर्मचारियों का डाटा भारत सरकार के वैक्सीन पोर्टल में जोड़ दिया गया है और जल्द ही लोगों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि वैक्सीन कब कब लगेगी। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि 39 वैक्सीन के प्रयोग के लिए बनाए गए सेंटरों में पूर्वाभ्यास किया जा चुका है और जिला प्रशासन वैक्सीन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि 5,235 फ्रंटलाइन कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के टीकाकरण के लिए पूर्वाभ्यास पूरा किया जा चुका है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वैक्सीन के प्रयोग करते हुए पूरी एहतियात बरती जाए। उन्होंने बताया कि सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों का डाटा भारत सरकार के वैक्सीन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे जल्द ही वैक्सीन बारे कर्मचारियों को SMS के माध्यम से जानकारी मिलेगी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पहले चरण में जितने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं या उनसे जुड़े हुए बाकी के वर्कर्स हैं, जैसे कि आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स या पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि, गवर्नमेंट तथा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उन सबको जो है पहले चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 5,233 ऐसे लोग जो हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं पहले चरण में वैक्सीनेशन के लिए आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल में इनका डेटा जो है वो भी अपलोड कर दिया गया है। ये वैक्सीनेशन का कॉमन पोर्टल होगा जहाँ पे लोगों को जो वैक्सीन जिनको दिया जाएगा उनको SMS के माध्यम से बताया जाएगा उनके वैक्सीनेशन की तिथि तथा टाइम, और उसी के तहत जो है वैक्सीन के कोर्सेज का भी सूचना उनको उससे पहले आ जाएगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 37 ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जिनके आसपास या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या उनके नज़दीकी स्कूल में जो है वो वैक्सीनेशन जो है दी जाएगी, और इसके साथ साथ दो और जो है एडिशनल लोकेशंस भी आइडेंटिफाई की गई हैं, तो कुल 39 लोकेशंस में वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाएगा।